सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो स्कूप डीआर। सो आज हम बात करने वाले मार्वल कैसे खुद का कॉम्पिटिटर है और उसी के साथ साथ मार्वल मूवीज को लेकर वो कैसे हमेशा क्रेज में रहता है। मेरी तेरी ये कहती है कि मार्वल को ये मालूम है कि अभी फिलहाल के लिए मार्केट में सुपर हीरो मूवीज को लेकर उनकी टक्कर में तो कोई नहीं है। आई मीन इसी साल की बात ले लो ना, अभी तक मार्वल ने दो मूवीज डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड थॉर लव एंड थंडर रिलीज कर दिए, और अगले महीने की 11 नवंबर को और एक मूवी आने वाली है वकांडा फॉरएवर, और उसी के साथ साथ मार्वल के ओरिजिनल शोज मून नाइट, शी हल्क, मिस मार्वल और एक मिनी सीरीज आई एम ग्रूट जो कि बहुत ही ज्यादा मिनी थी। इतना सब कुछ रिलीज भी कर दिया और आगे 3 सालों में 2 फेजेस में आने वाली सारी की सारी मूवीज और शोज को भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। लेकिन इतना सब कुछ मार्वल कर रहा है, इसके सर्कमस्टेंसेस भी मार्वल को मालूम है। मेरा मतलब है आप ही सोचो ना, एमसीयू कोई एक मूवी फ्रेंचाइजी नहीं है हैरी पॉटर के जैसी, जिसमें कि वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद सीरीज की पूरी स्टोरी कंक्लूड हो जाएगी। ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसे कि एमसीयू चाहे जितने टाइम तक खींच सकता है, ना तो उनके पास पैसों की कमी है और ना ही स्टोरी की। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है ऑडियंस की। अगर आपको आपकी फेवरेट डिश हर रोज बार बार खाने को मिल जाएगी तो एक वक्त के बाद आपको वो डिश उतनी ज्यादा स्पेशल फील नहीं होगी। वैसे ही मार्वल अगर हमें हर मूवी नो वे होम या फिर एंड गेम जैसी देने लगा तो फिर ऑडियंस उसके बारे में इतना ज्यादा एक्साइट और एंथुजियास्टिक नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्वल ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, लेकिन आप ही देख लो ना, फेज 1, 2, 3 की मूवीज का स्टैंडर्ड क्या था, और अभी तक फेज 4 में 6 मूवीज रिलीज हो चुकी है जिसमें कि नो वे होम छोड़कर बाकी एक भी मूवी ने 1 बिलियन का मार्क सेट अभी तक नहीं किया है। इससे अभी ऑडियंस के भी एक्सपेक्टेशंस कम हो रहे हैं, ये दिख के आ रहा है। बट आई थिंक मार्वल अब अपना हुकुम का इक्का निकालेगा वकांडा फॉरएवर के साथ, और जो ऑडियंस नॉन इंटरेस्ट जोन में जा रही थी उनको वापस से इंटरेस्ट जोन में लेकर आएगा और वापस से चीटेगिरी चालू रहने वाली, और वकांडा फॉरएवर के साथ वो अपनी सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन को भी सेटअप करना चालू कर देगा। तो ये मेरी खुद की थ्योरी थी, शायद ये 99% गलत भी हो सकती है या फिर गलत ही है। मतलब कौन सा ऐसा स्टूडियो होगा जो कि अपनी खुद की मूवीज का स्टैंडर्ड खराब कर देगा। मुझे बस ये वीडियो बनाना था तो फिर मैंने ये बना दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर दो यार, 7 सब्सक्राइबर पे कब से अटका हूं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हास्ता ला वीस्ता।